हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं बरसा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो यहां पर ना आज हमने 2 दिन की ब्लॉग को एक ही में शूट किया है, कल का और आज का। तो क्या है ना कि कल हमने थोड़ा ब्लॉग नहीं बना पाए थे या, और यहाँ पर देखिए सुबह हो चुकी है, सब लोगों ने चाय भी पी ली है। और यहाँ पर हम कमरे की कर रहे हैं अब साफ़ सफाई, क्योंकि कमरे की साफ़ सफाई भी तो करना ज़रूरी है। और यहाँ पर ना बच्चे लोग को ज़्यादा कचरा फैलाते हैं, जिस घर में बच्चे होते हैं ना उस घर में तो काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है और हर मिनट मिनट पे घर भी गंदा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे रूम की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर ली है। तो देखिए यह कचरा, जो भी कचरा उसको भर कर हम बाहर फेंक देंगे। और क्या ना, फिर ये है कल का ब्लॉग जो हमने कुछ बनाया था, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। तो है ना, हम आज बर्फ़ी बना रहे हैं मावा मूँगफली की। तो है ना, पहले मूँगफली को अच्छे से धीमी आंच पर से भून लेंगे, जिससे अच्छे भूनने से क्या होता है ना कि मूँगफली का छिलका आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ मूँगफली का कुछ छिलका हमने रहने दिया, कुछ निकाला है, आप पूरा छिलका निकाल सकते हैं या छिलका डाल के बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिक्सी से हमने अच्छे से मूंगफली को पीस लिया है और मावा को हम चला रहे हैं, अच्छा गाढ़ा पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या है ना, मावा थोड़ा पतला था तो सोचा कि अच्छा से हम भून लेंगे। तो मावा को हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। तो यहाँ पर ना हमने शक्कर को ऐड कर लिया है। और क्या ना, शक्कर मावा में अच्छे से पिघल जाती है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती कि चाशनी बना लो। तो यहाँ पर देखिए हम शक्कर को अच्छे से पिघला लेंगे। फिर शक्कर अच्छे से पिघल जाएगी ना, तो फिर उसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी से क्या होता है ना कि बर्फ़ी अच्छी सॉफ्ट बनती है और अच्छी मुलायम भी। तो है ना, हमने घी को अच्छे से मावा में मिला लिया है और शक्कर भी हमारी अच्छे से सारी पिघल चुकी है। और थोड़ा सा ना हमने इसमें पानी डाल दिया था कि शक्कर जल्दी से पिघल जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा अच्छे से जो मूँगफली का पेस्ट तैयार किया था ना हमने बारीक, उसको हमने इसी में ऐड कर दिया। बस इसको हम चलाते जाएंगे, लगातार चलाते जाएंगे जब से अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। क्या ना कि इस तरह बेसन की चाशनी इसको तो अच्छे से गाढ़ा करना पाता है, जैसे काजू कतली बनती है ना इसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए काजू कतली यानी हम मूँगफली की कतली बना रहे हैं और मावा डल जाता है ना तो इसमें काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारी काजू कतली और नहीं हो तो हम मूँगफली की बना लेते हैं, मूँगफली की काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए हमारा मूँगफली का पेस्ट भी तैयार हो चुका है। तो इसको ना हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अच्छे से, क्योंकि इसको गर्म ही गर्म हमको पूरा फैलाना पड़ता है, ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें अच्छे से नहीं बनेंगी। तो क्या ना, हमने इसमें तेल लगा, अच्छे घी लगा लिया था कुपरे कुपैया में। तो क्या ना, घी लगाने से होती है कि बर्फ़ी आसानी से निकल जाती है और ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाती है। तो हम सारी कढ़ाई में से सारे पेस्ट को निकाल लेंगे। और यहाँ पर ना देखिए अगल बगल भी अच्छे से चिपक चुका है, हमारा बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। और हमने इसको निकाल के और अच्छा सा अच्छे, और जहाँ अगल बगल भी चिपका होगा तो अच्छे से कढ़ाई को साफ कर रहे हैं। तो यह पन्नी में हमने थोड़ा सा घी लगा दिया है, क्या ना पन्नी में अच्छे हो, क्योंकि हाथों से करेंगे तो हाथ जलने का भी डर रहता है। तो पन्नी से अच्छे से हम मसल ये और पूरी कढ़ाई में फैला देंगे। तो यहाँ पर देखो पूरी कढ़ा कोपारी में हमने अच्छे से फैला लिया है। और यहाँ पर देखो अच्छे से हम अच्छे से एक सा कर लेंगे, पहले हम पन्नी की सहायता से करेंगे फिर हाथों से कर लेंगे अच्छे से, जिससे चिकना हो जाए और हमारी बर्फ़ी आसानी से कट जाए। और थोड़ी तो मेहनत लगती है लेकिन इतनी ज़्यादा झटपट बन के तैयार हो जाती है, अगर कभी खाने का मन हो तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। और जब भी खाने का मन हो, जब चाय बना लो तो ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना ज़्यादा मेहनत है। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे हाथों की सहायता से इसको चिकना कर लिया है अच्छे से। तो ऐसे ही हम अच्छे से और पतला कर लेंगे, जिससे हमारी बर्फ़ी अच्छे से बन सके। और तो यह ना हाथ जल रहे, मेरे थोड़े हाथ जल रहे थे तो मैं धीरे धीरे लगी थी करने के लिए, यानी हाथों जलते हैं कोई भी गर्म पूछे, क्योंकि इसको गर्म ही गर्म अच्छे से फैलाना पड़ता है तब अच्छे से फैल जाता है।
ना पन्नी ले लो या फिर थोड़ा सा फिर ठंडी ठंडा हो जाना तो फिर हाथों से अच्छे से चिकना कर लेते हैं। फिर हम बर्फ़ी के पीसेस काट लेते हैं चाकू से। तो यहाँ पर देखिए हमने काट के सारे पीसेस रख ले हैं और काफ़ी अच्छी बनी, एक एक बर्फ़ी अच्छे से निकल रही है। तो देखिए कितना सुंदर लग रही है हमारी काजू कतली यानी मूँगफली की कतली, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए हमारी मूँगफली की कतली बन रही है। क्या ना है वो माँ जी बोल रही थी उस दिन हमने मावा बनाया था लड्डू के लिए, उस दिन का रखा था, 2-3 दिन हो गए थे मावा को, तो सोचा कि आज हम थोड़ा मूँगफली सेक के काजू कतली बना लें। यानी काजू कतली निकल रहा है मुँह से, या मूँगफली की बर्फ़ी बोलो या मावा की बर्फी लो, जैसे मावा का भी टेस्ट रहता है, मूँगफली का तो काफ़ी टेस्ट लगती है। तो यहाँ पर देखो सारी बर्फ़ी हमारी बन चुकी हैं। तो यहाँ पर देख एक एक बर्फ़ी अच्छे से कितनी सॉफ्ट बनी है, क्योंकि हमने अच्छे से इसमें घी डाला था इसलिए अच्छी सॉफ्ट बनी है। तो यहाँ पर फिर हमने जाके आज मुझे इतने सारे कपड़े धुलने थे तो मैंने सारे कपड़े धुले, क्योंकि ये आ चुके थे घर पे तो इनकी भी कपड़े थे। शादी के बाद तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो हमारी है ही नहीं, सबकी गुलाम बन गई है, जिस सबके इशारों पे नाचो। तो यहाँ पर ना देखना हमारी आराध्या राजा कितनी हेल्प कर रही है, छोटी सी बच्ची है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती रहती है, जो भी काम करो तो साथ में करा लेती है। और ये एक एक कपड़े मुझे दे रही थी सूखने के डालने के लिए, जब भी कपड़े धुल के लाऊँ ना तो आ जाती है देखे कि माँ कपड़े डाल रही है सूखने के लिए, तो वो ये उठा उठा के देती थी। और इतना हेल्प मेरी बड़ी बेटी भी नहीं करती, इतना छोटी करती है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हैं कपड़े धुलने के बाद, बर्तन भी साफ़ करना, अभी हमने नहाया नहीं है। क्या है ना कि माँ जी ने खाना बना लिया था आज सारा, क्या ना आज बहुत सारा काम था तो इसलिए हम कर नहीं पाए। और यहाँ पर देखिए तो सुबह से नहा तो दोपहर के 10-11 बज चुके हैं, तो सब लोगों ने खाना भी खा लिया था, सबके खाने के बर्तन भी निकले थे तो वो भी हम साफ़ कर ले। तो यहाँ पर देखना तो इतने सारे बर्तन हैं तो उनको हम पहले थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, फिर उनको अच्छे से धुल के रख लेते। और ये क्या ना कि अच्छे से बर्तन साफ भी हो जाते हैं, ये भी नहीं लगता है कि मन में कि इतने सारे बर्तन हैं। और हमारे यहाँ पे तो बर्तन इतने सारे होते हैं दिन भर में, अभी देखना बर्तन साफ करके रखे हैं थोड़ी देर बाद सारे बर्तन हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो धीरे धीरे हम सारे बर्तनों को आधे बर्तन को धो लिया है और आधे बर्तन फिर साफ करेंगे अच्छे से और फिर उनको धुलेंगे। यहाँ पर ना बच्चे लोग खेला है, यहाँ पर पूरे आंगन में धूप आ चुकी है, तो देखना तो सारे कम से कम 2 घंटे तो हमें धूप में इधर ही उधर घूमना पड़ता है। अभी तो नहाया हुआ भी नहीं है, अभी नहाना भी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो प्यारे प्यारे से कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अच्छा लगा हो तो बताएं, बुरा लगा हो तो बताएं, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बुरा लगा हो वो भी लिखें कि इसमें क्या पार्ट अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो यार ना धूप में बेटी खेल रही थी ना तो उसको हमने अंदर भेजा दिया है कि अच्छे से, क्या ना धूप में बच्चे खेलते हैं तो पैर भी जलते हैं, और रो भी रही थी कि उसके पैर जल रहे थे ना, चप्पल तो पहनती नहीं है, बहुत कहते हैं कि चप्पल पहन लो लेकिन पहनती भी नहीं है। तो यह ना हम उसके पैर जल रहे थे तो उनको बुलाता देवा जी को कि वो अंदर ले जाएं। तो यह ना बर्तन हमारे कुछ साफ़ हो चुके हैं, कुछ रह गए हैं तो हम जल्दी जल्दी से बर्तन भी साफ़ करने हैं, अभी हमें नहाना भी है और काफ़ी लेट भी हो गए हैं आज नहाने के लिए, अभी इतने लेट नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ना हमारे बर्तन सारे हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे प्यारे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर।